बोलू। ओ बोलू, हाँ जी के कर रहा है? जी अपना लाग रहा था कविता सी लिखने। पढ़िया कर पढ़िया कर पढ़िया कर। चल एक बात बता, हाँ जी दुनिया में ऐसा कौन सा पक्षी है जो सबसे तेज और ऊंचा उड़ता है? जी हाथी। हाथी? हाथी मारू तेरे हैं? कल तेरे बाबू ने बुला के ला, बात करूंगा उससे। ये छोरा पढ़ता ना है, इधर उधर की बात करे है। अच्छा यो बता, तेरा बाबू क्या करे है? मेरा बाबू शूटर है जी, शूटर। ठीक सो भाई, मरवा देगा ये तो। अच्छा बोझू, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। रे बच्चो ये बोलू सही बोले है, हाथी वो पक्षी है जो सबसे तेज उड़े है। बोलू। ओ बोलू। हाँ जी। किसके लिए स्कूल में आता है तू? विद्या के लिए। फिर कल स्कूल क्यों नहीं आया? कल विद्या आई थी। बोलू। ओ बोलू। हाँ जी। आज तो तू मने एक ते दस तक गिनती सुना। मैडम जी मने सारी गिनती आवश है, और मैं जी अब तक मैं दो बार सुना जूसो। आप मेरे तक क्यों पूछा करो, और बात पूछ लो ने। ना ना, आज तू मने एक ते दस तक गिनती सुनाओगा? सुन लो तो जी। हाँ सुना। एक दो तीन चार पाँच। के कर रहे हैं? अरे करे कैसे, मने नू को नहीं कही तू देख के सुना, बिना देखे सुना। अपने बाबू ने बुला के ले आऊंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, चल ठीक से तो सुना, बिना देखे सुना। एक हाँ दो तीन चार पांच सात। ओ रुक 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 रुक, छह कित गया जी? छह की तो मौत होगी। के बोलिया? तड़के टीवी पर दिखा रखा था स्वाइन फ्लू से छह की मौत। बोलू। हाँ जी। एक सवाल का जवाब दे। पूछ लो। तेरे पापा काम पे गए, इसका भविष्य काल बता। आज भी गया और काल भी जागा, इसे के बाप में ही मच्छर तो रोक के दिखाओ। बोलू। ओ बोलू। हाँ जी। पक्षी के बारे में क्या जानता है? कुछ भी ना जानू जी मैं। कुछ भी नहीं जानता? ना। वो कौन सा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता? पिंजरे में बंद पक्षी। बोलू। ओ बोलू। हाँ जी। ये इधर उधर की बातें छोड़ के पढ़ाई कर ले, पढ़ाई पेपर सर पर आ रहे हैं। जी पढ़ाई करू हूँ मैं भी। अच्छा अच्छा, मेरे सवाल का जवाब दे तू। बुझ लो। न्यू बता, शेर बच्चे देश है कंडे देश है? जी शेर जंगल का राजा है, उसका जी करे तो बच्चे दे दे, जी करे तो अंडे दे दे। देखे वार भी होगी और रेल भी रकड़गी और 10 बजे बादशाह तो काम का साधन कोई मिलना ही नहीं। ईब के करा भाई? ले भाई कोई ना कोई तो भला आदमी होगा। ले भाई किसे न किसे तो टकरूं जरूर, कोई ना कोई तो जरूर रात कटवा होगा मेरी। चल आदमी से लुगाई से देखे कदे तू पिट जा, रात भी ना कटे कदे भाई तेरी। ये सौदा की है बहन जी? राम राम। ए हम भंजी बा। भाई साहब गलती होगी, भाई साहब गलती होगी, मैंने माफ कर दे। देखे मैंने तो रात काटनी है, मेरी रेल लकड़गी कितने जगह बता दे। हम कहा करी रेल निकल गई था। भग कितने जगह बता दे, कितने रात काट लू मैं। बहु बेटी का घर बानी ठीक बानी।
और निकल जाओ यहाँ से, होटल ले लो, ठीक है ना? और ज्यादा बड़बड़ करे ना, घुसा दे। देख मेरा बटन बड़ा ने कुकर मारा से जो ढेरे पड़ रहे हो। अच्छा बे निकला, ठीक बने निकला निकली निकालनी निकुलनी छोड़ दे, इबका गांव में धान लाना है ना, तेरा मर मर कोनी। अच्छा ला निकला, तेरी मैं ऐसी भी आ दूंगा। यहाँ से आ गई ले, चल लू 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 करो इलावा था। भाई साहब राम राम। राम राम भाई, राम राम। और कौन पहचाने नहीं? जियो बहु बेटिया का घर से। क्यों तू क्या करेगा बहु बेटिया घर से? जी रात काटनी थी। रात काटनी थी बहु बेटिया के घर पे? हैं रे अय्या कल्लू, रे सोडूई, रे दोलू पहलवान, मारिये लठ साले के बहु बेटी के घर में रात काटेगा? हैं रात काटेगा? रात काटेगा? भाई साहब मेरी बात तो सुन लो। क्या सुन ले? सुना देखे मन जाना था रोहतक, मेरी गई रे लकड़ी। अच्छा मैं तो न्यू कहूँ सू, एक रात आड़े रहे इनकी कितने जगह बता दो। ओहो तो न्यू बोले था रात काटने से, तो बेटा ऐसे ना बुझिया करते बहु बेटिया घर से। चल ठीक है रात काटनी से, भाई जगह भी थोड़ी सा है। देख भाई मुसाफिर तेरे को थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। वो के मतलब जी? वो किस गैल नहीं, वो जो है मेरा गुड्डू है, तू उसके साथ सो जाइयो। गुड्डू दूसरा आदमी धोरे नींद तो कोने आवे? ओ क्या हो गया जी? मन आड़े कितने कूण कान में जगह देख लो जी, पा जा तो उड़े सो जाएगा जी। मैं गुड्डू धोरे नहीं सोएगा जी, मन दूसरा आदमी धोरे नींद कोने आवे जी। अच्छा भाई ठीक से करते है तेरी जगह का इंतजाम। रे रंगू लगा दिया खाट जरा। जी राम राम। हैं तू कौन से? मैंने आप ते भी नहीं पिछाने, आप कौन सो? जी रात न मैं तो रुक रहा था यारे। जी मैं सू गुड्डू। हैं गुड्डू आए रे मेरी किस्मत। अरे देखी मेरी शिटानी कितनी बोली, अरे हो रहा की तो लड़ाई भी करे, मेरी तो लड़ाई भी ना करे, देखे मेरी पूजा करे, भोलेनाथ की जो मानने से मेरी लुगाई, कदे कोई नहीं सोचता हो लड़ाई करे से, कती को नहीं करे भाई। सेठ जी। हाँ शिटानी। अकेले अकेले के बड़बड़ा रहे सो? कुछ भी नहीं बड़बड़ा रहा, अरे मैं तो न्यू टाइम पास करूँ था। अच्छा और सेठ जी के ज्ञान? अरे तने देख के तो और कति बढ़िया न्यू कह नहीं सकता। अरे देखे अरे मैं गणेश होता, अरे तू मेरी रोज पूजा करती, अरे मेरे तो लड्डू खुआती, अरे देखे कितना मजा आता। सेठ जी आप गणेश होते, आपकी मैं रोज पूजा करती और लड्डू खुआती, आपको भोग लगाती। और सेठ जी एक बात और भी से, हर साल में गणेश जी का विसर्जन करती और घर में नया गणेश ले आती। सेठ जी। हाँ शिटानी। आप रात ने के बड़बड़ाया करो, पूरी रात नींद नहीं आती, मैंने पूरी रात नहीं सोन देते। अरे बाउली तने के बेरा, कदे मने चीनी का बा देखना पड़े, कदे मने चावला का बा देखना पड़े, कदे चिनिया का बा देखना पड़े। अरे देखे अरे रती राम ठाकरान है ना, अपने तो 2 किलो चीनी ले गया था, अरे पैसे ही लग नहीं दे गया, देखे किसा बाउली बूच बनाया सेठ। सेठ जी रात ने तो सो जा करो। अरे बाउली जिसका इतना नुकसान होता हो उसने नींद किता जा। सेठ जी रात ना आप सो हो ना, तो रात ना बहुत बुरे खरडाटे मारो सो, पूरे खरडाटे मारो सो, रात ना नींद नहीं आती,
अरे बावड़ी देखे दुकान पर जासू देखे मुनीम कैसे लाला जी आप तो दिन में सो सो अरे बावड़ी रात में तो नींद मन भी ना आती। अरे मैंने एक बात और देखी है सेठ जी। अरे कुड़ी सी देखी रात न सो है न किसी और के सपने ले हो आप मैं आपके सपने में नहीं आती। ना नहीं आती शेटानी। क्यों? अरे मैं हनुमान चालीसा पढ़ के सोया करूं।